अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आजम खान को लेकर आज फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब्दुल्ला आजम को लेकर भी आज फैसला आने की बात कही जा रही है। दोनों पर पड़ोसी से मारपीट करने का इल्जाम है, पड़ोसी की दुकान पर कब्जा करने का भी इल्जाम है। पीएमएलए कोर्ट इस मामले को लेकर फैसला सुनाने वाला है। इसके अलावा दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी आज आजम खान, अब्दुल्ला और तंसीन को सजा जो हुई है 7 साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है, उसको लेकर भी आज समाप्त होने वाली है। तो आपको बताते चले, आजम खान फैमिली जिस तरह से मुश्किलों में है, जेल में इस वक्त है। दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले को लेकर तीनों लोगों को सजा सुनाई गई थी 7-7 साल की, और अब कई और मामले हैं जिसमें आजम खान की फैमिली फंसी हुई नजर आ रही है। तो आजम खान को लेकर आज फैसला आने वाला है, अब्दुल आजम को लेकर भी आज फैसला आ सकता है। दोनों पर पड़ोसी से मारपीट करने का इल्जाम है। तो पहले ही वो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले को लेकर जेल में है, लेकिन कई और ऐसे मामले हैं, चाहे जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए हों या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े हों, इसी तरह के एक और मामले दोनों पर, यानी अब्दुल्ला आजम पर और आजम खान पर पड़ोसी से मारपीट करने का इल्जाम लगा हुआ है। पड़ोसी की दुकान पर कब्जा करने का भी इल्जाम है। एमपीएमएलए कोर्ट इस हवाले से फैसला सुनाने वाला है, और देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ यहां पर सामने आता है और क्या कुछ फैसले में सुनाया जाता है। तो दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी आज फैसला आना है। आजम खान, अब्दुल आजम और तंजीन फातिमा को सजा सुनाई गई है, 7 साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है, और उसी अपील को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर रामपुर में आजम खान एंड फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही वो जेल में हैं, और अब ऐसे में एक और मामले को लेकर आज फैसला आने वाला है। दरअसल अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर पड़ोसी के साथ मारपीट करने का एक इल्जाम लगा हुआ है, और पड़ोसी की दुकान पर कब्जा करने का भी इल्जाम है, जिसको लेकर आज फैसला आ सकता है। अब यही मेरा मुकदमा जो है वो वहाँ पर चल रहा था, तो उसी पे शरीफ खां और उन्होंने कहा आगे कि भाई ये जगह या तो आप खाली करो और मुकदमा जो है अपना वापस लो, और नहीं तो हम जो है इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेंगे और आपको मार देंगे।